हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल माइना स्टाइल कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैंने डैंड्रफ, स्कैल्प इन्फेक्शंस, इचीनेस के लिए एक टिप बताऊंगी। इस टिप के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हल्दी। एक बाउल में हल्दी लेना चाहिए, इसमें दही ऐड कीजिए, इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कीजिए। ये सब चीज़ों की अच्छी तरह से मिला दीजिए। फ्रेंड्स, हल्दी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है। हल्दी यूज़ करने से सारी स्कैल्प इन्फेक्शंस, डैंड्रफ प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। वैसे भी हल्दी हमारी स्कैल्प पर जो हुआ बैक्टीरिया को ख़त्म करके स्कैल्प को फ्रेश करती है। और इसमें मैंने मिलाया दही। दही में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहती है। वैसे भी दही हमारी बालों की नेचुरली कंडीशनिंग करती है। स्कैल्प इचीनेस, ड्राइनेस को हटाने के लिए दही बहुत ही मदद करती है। इसमें मैंने मिलाया एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रहती है। ये दोनों स्कैल्प इन्फेक्शंस को दूर करके हमारे बालों की स्मूथ सॉफ्ट करने में मदद करती है। फ्रेंड्स, पोल्यूशन की वजह से, धूप की वजह से, वैसे भी विंटर में हमारी स्कैल्प पर इन्फेक्शंस हो जाती है, डैंड्रफ प्रॉब्लम भी बढ़ती है। ये सब इन्फेक्शंस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये होम रेमेडी बहुत ही अच्छी है। ये तीनों चीज़ों अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को स्कैल्प पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आधे घंटे तक रहने दीजिए। आधे घंटे होने के बाद किसी भी हर्बल शैम्पू के साथ वॉश कीजिए। फ्रेंड्स, इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए आप इस होम रेमेडी को हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। ऐसे यूज़ करने से सारी डैंड्रफ प्रॉब्लम्स, स्कैल्प इन्फेक्शंस, इचीनेस को दूर कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना, आज मैंने हल्दी के साथ डैंड्रफ, इचीनेस, ड्राइनेस को हटाने के लिए एक टिप बताया। इस टिप को ज़रूरी है तो आप भी ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।